Nationalism in India, Lecture 3. Today's topic is Idea of Satyagraha. So first of all, before understanding the concept or topic matter of the book, it is important to know the word Satyagraha. Satyagraha shabd aaya kaise? Mahatma Gandhi apne akhbar mein ek pratiyogita निकालते हैं और अपने पाठकों से कहते हैं कि ऐसे शब्द का निर्माण करके बताएं जिसपे सत्य के प्रति आस्था हो। तो मदनलाल गांधी ने एक शब्द का निर्माण किया और शब्द का नाम रखा सदाग्रह। सदाग्रह को विनर घोषित किया गया महात्मा गांधी के द्वारा और महात्मा गांधी ने सदाग्रह में थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए दल के जगह पे क्या लगाकर सत्याग्रह दिया। As before, we already know that Mahatma Gandhi returned to India in 1950. Before that, he was in South Africa. He was coined by a businessman whose name was Dada Bhula. He was Mahatma Gandhi. Gandhi was coined by a South African business, Indian businessman whose name was Dada Bhula. Before that, Mahatma Gandhi tried to practice his profession as a lawyer in Bombay as well as in Gujarat, लेकिन कहीं पर भी इन्हें सफलता नहीं मिली। थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी थी। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लौटने के बाद उन्होंने सबसे पहले बॉम्बे में वकालत गिरी शुरू किया, वहां पर भी इनकी वकालत नहीं चली। फिर उन्होंने गुजरात में जाकर वकालत गिरी का काम करना शुरू किया, वहां पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद जो है अचानक उनके पास एक खत आता है। खत में साउथ अफ्रीका का टिकट होता है और उस खत जो लिखने वाला व्यक्ति था उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। महात्मा गांधी को उस खत में उन्होंने साउथ अफ्रीका आने का निमंत्रण दिया और उसके फॉर्म के लिए काम करने की बात कही। महात्मा गांधी को लगा कि ये बेहतर अवसर है और मुझे इसे हाथों हाथ ले लेना चाहिए और इसके बाद महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका के लिए तरफ निकले। साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद रेलवे की उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन फर्स्ट क्लास टिकट पे उन्हें जाने की इजाजत नहीं हुआ। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। रेलवे के फर्स्ट टिकट में बैठने के कारण जब टिकट कलेक्टर चेक करने के लिए आता और एक देखता है भारतीय वहां बैठा हुआ है, एक काला व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसे वहां पर से उठाकर फेंक दिया जाता है उसके सामान से और कहा जाता है थर्ड क्लास टिकट पे जाकर बैठो। रीजन ये था कि साउथ अफ्रीका में उस समय ब्रिटिश रेजाइन की एक कॉलोनी थी और वहां पर रेसिस्ट रेजाइन था, रंग के आधार पर शोषण किया जा रहा था। वहां जैसे भारत में लाइन कहा गया था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी एक लाइन थी ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, काले लोग को यहां आना की इजाजत नहीं है। तो फर्स्ट क्लास टिकट पे महात्मा गांधी को बैठना नागवारा बुझा और उन्हें उनके टिकट उठाकर फेंक दिया गया। रात भर उसी स्टेशन पर वो वहां बिताएं और सोचते रहे कि ये कैसा माहौल है और फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका के रेसिस्ट रिजाइन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा और जिस मेथड से उन्होंने आंदोलन छेड़ा उसे सत्याग्रह कहा। उन्होंने अपने आंदोलन में मास एजिटेशन, मतलब जिन लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहे थे उन्हें इकट्ठा किया, उन्हें समझाया कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना पड़ेगा और लेकिन शांति प्रिय ढंग से। इस नॉवल मेथड की वजह से साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को बहुत बड़ी सफलता मिली। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौट आए और भारत लौटने के पश्चात भारत की लोगों की जो उम्मीदें थी महात्मा गांधी से वो बढ़ी हुई थी और यहां आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह का
जो आइडिया है, विचार है, वो दिया है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे, इसी वजह आज के समय में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट इंडियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो इनका जो आप यहां पर मैंने लिखा है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका आफ्टर सक्सेसफुल फाइट अगेंस्ट द रेसिस्ट रिजाइड। चमड़े के रंग के आधार पर, गोरा या काला होने के आधार पर वहां पर एक्सप्लॉइटेशन, शोषण था, लोगों के साथ बदसलूकियां की जाती थी। इसी रेसिस्ट रिजाइन के खिलाफ महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में आंदोलन छोड़ा था विद अ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन का मतलब है कि फॉर एनी काउज पीपल केम टूगेदर एंड रेज देयर वॉइस फॉर द ट्रुथ। एक साथ लोगों का आना और अपनी एक सच्चाई के लिए, एक सत्य के लिए लड़ना, आवाज उठाना, दैट इज कॉल्ड मास एजिटेशन। अगर महात्मा गांधी अकेले वहां पर झंडा लेकर खड़े होकर मास एजिटेशन के खिलाफ लड़ते तो शायद इन्हें सफलता नहीं मिलती। इन्होंने वहां की आवाम, वहां की जनता को अपने साथ मिलाया और अपनी बातों को शांतिप्रिय ढंग से, नॉन वायलेंस के साथ जो है वहां की सरकार के सामने रखा और सरकार को झुकना पड़ा। महात्मा गांधी को वहां सफलता प्राप्त हुई थी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह और यू कैन से दैट आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह फर्स्ट ऑफ ऑल एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्याग्रह में आपको सत्य की ताकत को समझना होगा, सत्य की तलाश करना होगा। जब तक आप सत्य की ताकत, सत्य की पावर को नहीं समझेंगे, सत्य की तलाश नहीं करेंगे, आप में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। इफ टाउन वॉज ट्रू, इफ स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट विद ऑपरेशन। अगर आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो कारण सत्य है, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं तब किसी शारीरिक ताकत की आवश्यकता नहीं है। नो फिजिकल फोर्स वॉज रिक्वायर्ड, नो फिजिकल फोर्स वॉज रिक्वायर्ड टू फाइट विद ऑपरेशन। आपको उस वक्त किसी भी शारीरिक ताकत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने ऑपरेशन, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए। Without being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. एक सत्याग्रही बिना aggressive हुए, बिना अपने अंदर गुस्सा व्यक्त किए हुए, अहिंसा के रास्ते पे चल करके भी अपने युद्ध को वो जीत सकता है, अपनी संघर्ष को वो जीत सकता है। This could be done by appealing the consigns of oppression. कैसे करेंगे फिर? अगर ये बातें सही हैं तो हम कैसे करेंगे? तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हम अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने ऑपरेशन की, अपने दुश्मनों के हृदय परिवर्तन, उनके कंसाइंस, उनके आत्मा को जीवित करना करने का प्रयास करेंगे अपील करके, ताकि वो सत्य को पहचान सके, सत्य को समझ सके। पीपल इंक्लूडिंग ऑपरेशन हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। पीपल लोग और उनके साथ जो हमारे दुश्मन है, ऑपरेशन है, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, उन्हें भी परसुएड बनाया जा सकता है कि आप सत्य को पहचाने, सत्य को समझें और सत्य को समझ करके ही अपने जीवन का आगे का कार्य पूरा करें। इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड, अब अगर इन सबके जगह पर किसी के ऊपर हम दबाव बनाते हैं, ताकत का प्रयोग करते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर हम ताकत दिखाएंगे तो सामने वाला भी ताकत हमें दिखाएगा और उस केस में युद्ध और संघर्ष जो है बड़े बन जाएंगे, लेकिन हम संघर्ष का
परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर वो हमसे भी ताकतवर रहा तो हम हार जाएंगे, हमें हारना पड़ेगा, हमें युद्ध के मैदान को छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने उस ऑपरेशन के कंसाइंस को, आत्मा को, अंतरात्मा को झकझोर दिया और सत्य को पहचानने में के लिए मजबूर कर दिया, तो हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो अपनी गलती को स्वीकार करके अपनी हार मानेगा। लेकिन अगर उनके खिलाफ हम शारीरिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, ताकत का प्रयोग करते हैं, तो वो हमारे खिलाफ भी ताकत का प्रयोग करेगा, जिससे रिजल्ट और परिणाम क्या निकल कर आएंगे इसका पता करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो हमसे ज्यादा ताकतवर रहा तो हम हार जाएंगे। इसलिए गांधी कहते हैं कि हमें सत्य के रास्ते पे चल करके ही सफलता अर्जित हो सकता है, अन्यथा हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब now after learning the after understanding the idea of satyagraha, we will study something, we will study about a satyagraha campaign started by Mahatma Gandhi. As you all know that Mahatma Gandhi returned from South Africa in the year 1915, and this was the time of First World War. It was the time of First World War. Once he returned from South Africa, Britishers met with Mahatma Gandhi, met with Mohandas Karamchand Gandhi, and appealed from him to support us in this First World War. If you, the Indians, support us, we will give you the freedom. We will give you the freedom. Mahatma Gandhi too tried to appeal from the people to support the Indians in the First World War. लेकिन उनके इस सपोर्ट का, अंग्रेजों का सपोर्ट करने के क्रम में महात्मा गांधी को कई सारे उपनाम दिए गए थे। भारतीय ने उन्हें सार्जेंट ऑफ इंडिया कहकर बुलाया कि ब्रिटिशर्स के लिए उनकी सैनिकों की टुकड़ी में रिक्रूटमेंट करने वाला ये एजेंट है। कौन? महात्मा गांधी। और कई लोगों ने महात्मा गांधी का इस काम के लिए बहिष्कार भी किया। इस काम के लिए महात्मा गांधी को कई सारे पदक भी दिए गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के सपोर्ट करने के लिए। महात्मा गांधी को भारत आने के बाद सबसे पहले उन्होंने आंदोलन चलाया वो था 1916 में चंपारण सत्याग्रह। बिहार का एक छोटा सा गांव चंपारण, छोटा सा शहर आज भी है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह की बैकग्राउंड को आप समझे तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को खत लिख करके वहां पर कि किसानों की समस्या को समझाया। किसानों को जबरदस्ती उनकी जमीन पर इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। और इंडिगो की खेती करने का सबसे बड़ा नुकसान था, नील की खेती करने का सबसे बड़ा नुकसान था कि जमीन की उपजाऊ शक्ति जो है बर्बाद हो जाती थी, धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाती थी, जो कि किसानों का पर्सनल लॉस था, व्यक्तिगत हानि थी। और इस सिस्टम को उस समय कहा गया तीनकठिया सिस्टम, कि अगर व्यक्ति के पास अगर एक बीघा जमीन है, 20 कट्ठे जमीन है, तो कम से कम 3 कट्ठे जमीन पर उन्हें इंडिगो यानी नील की खेती करनी होगी। जबरदस्त इन सारी घटनाओं का सिख राजकुमार शुक्ल ने अपने खत में लिखा। महात्मा गांधी खत पढ़ने के बाद चंपारण आए और उस खत में लिखी गई हर एक बात को पहले उसने छानबीन की, इन्वेस्टिगेट किया कि सही है या गलत है। जब उन्हें लगा कि ये सही है, तब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को 1916 बिहार में है लॉन्च किया गया, जिसके वजह से अंग्रेजों को झुकना पड़ा और चंपारण सत्याग्रह जो है सफल हुआ। 1917 ये दूसरा आंदोलन इसमें महात्मा गांधी ने लाया और इस आंदोलन का नाम था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में है,
यहाँ हुआ क्या कि एपिडेमिक आ गई, महामारी फैल गई, क्रॉप फेलियर हो गया, अनाज नष्ट हो गए थे और क्रॉप फेलियर की वजह से किसानों के पास पैसे नहीं थे और इन किसानों से जबरदस्ती अंग्रेजी सरकार रेवेन्यू टैक्स वसूल रही थी। इसके खिलाफ भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को लॉन्च किया और सरकार से यह रिक्वेस्ट किया कि उन्हीं किसानों से रेवेन्यू लिया जाए जो देने में सक्षम है, जो देने में सक्षम नहीं है उनकी माफ कर दिया जाए। अंततः महात्मा गांधी की यह आंदोलन में सफल साबित हुई, अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जो किसान अपने रेवेन्यू को पे करने में सक्षम नहीं थे उनके रेवेन्यू ना लेने की बात करें, जो देने में सक्षम है उन्हीं से लिया गया। नेक्स्ट आंदोलन रहा 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये भी गुजरात में है। यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह नहीं लाई गई थी, यहाँ पर लाई गई थी मिल मालिकों के खिलाफ जो कि भारतीय ही थे, पूंजीपति भारतीय थे, कैपिटलिस्ट इंडियन थे। वर्कर्स जो अहमदाबाद के मिल वर्कर्स थे उन्होंने मिल मालिकों से बोनस की रकम 50% की मांग की गई थी जिसे ना देने की बात कही गई, जिसे ना देने की बात कही गई। महात्मा गांधी यहां पर पहुंच करके मिल वर्कर्स के पक्ष में आंदोलन करते हैं और मिल ओनर 25% बोनस की रकम देने को तैयार हो जाते हैं। ये तीन प्रथम सत्याग्रह है महात्मा गांधी का जो भारत में आने के बाद सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने चलाया चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है। दूसरा संपालन सत्याग्रह रहा 1917 में खेड़ा सत्याग्रह में और तीसरा 1918 में है अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये तीन आपके प्रथम सत्याग्रह है महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी के तीन सत्याग्रह उनकी सफलता को साफ रूप से अंकित कर रहा था और जैसे जैसे ये अपनी सत्याग्रह में सफलता प्राप्त हो रही थी महात्मा गांधी से लोगों की उम्मीदें बढ़ते चली जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि महात्मा गांधी ही हमारे दुखों को दूर कर सकता है, हमारी आजादी वही पूरा कर सकता है।